जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। चलें जी। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, हम बल्कन्स की बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि यार ये चीजें देख लें, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न यूरोप में कौन सा मुल्क है, आपको पता होना चाहिए बाल्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि बल्कन कौन से मुल्क हैं, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रिलिमिनरी नॉलेज है, ये कोई एडवांस नॉलेज नहीं होता, ठीक है? दीज आर ऑल वेरी वेरी प्रिलिमिनरी नॉलेज, और ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाउ डज इट फंक्शन, और ये कौन कौन से मुल्क कहाँ पे हैं, क्या अलायंसेज हैं, कौन सा नेटो में है, कौन सा नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है, दीज आर लाइक वेरी कॉमन नॉलेज हो के आप सबके पास होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने माइक करीब अगर कर ले, यार मैंने फोन रखा हुआ इसी तरह ही है, चले हम बेहतर करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक और जो मुझे इम्प्लीकेशन इसका नजर आता है ना, ठीक है, ये सारी जो इम्प्लीकेशन, यार आवाज का देख ले, मुझे लगता है मेरी तरफ से तो आवाज ठीक ही है, आप काइंडली जो यहाँ है, से आ रही हाँ है जी, सर। आप जरा काइंडली इसको दोबारा देख लें, ठीक है? तो मेरा ये सारी जो आपको मैं इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ, दीज आर ऑल व्हाट आई मैंने खुद जो है वो एनालाइज किया है, या तो मुझे खुद लग रहा है, ठीक है? दिस इज टोटली एनालिटिकल, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ के या कहीं से बाद में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे जो कॉन्सेप्ट राइस के ऊपर लगता है ना बहुत ज्यादा, इसके बाद, ठीक है, मुझे ये लगता है कि कुछ नियो नाजी टाइप ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे एट द टाइम ऑफ हिटलर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के नियो नाजी ग्रुप्स या जो फार राइट के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, फार राइट के जो ईयू के ग्रुप्स हैं चंद, ठीक है, वो जो है वो खड़े होंगे अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रशियन इन्वेजन, या वो पर्टिकुलरली अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट रशिया। देखिए, हर मुल्क के अंदर ना आपको रोग एलिमेंट्स मिलते हैं, हर मुल्क के अंदर आपको हार्ड लाइनर्स मिलते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि वी माइट बी सीइंग अ फोर्स अगेन, वी माइट बी सीइंग ग्रुप्स राइज अगेन, जो कि कहें कि भाई आप यूरोप के पीस को जो है खराब कर रहे, आप यूरोप के पीस को खराब कर रहे हो, वी विल नॉट लेट दिस हैपन, ठीक है? यूरोप ने जो है वो बहुत अरसे से कोई प्रॉक्सी वॉरफेयर नहीं देखा, ठीक है, इट हैज नेवर सीन अ प्रॉक्सी वॉरफेयर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो हु नोज व्हाट द डायनामिक्स ऑफ यूरोप माइट बी, ठीक है, हु नोज कि यूरोप कहाँ पे अपने आप को फाइंड करता है इन द कमिंग टाइम, बट दीज आर रियली रियली टेस्टिंग टाइम्स फॉर यूरोप, वेरी टेस्टिंग टाइम्स फॉर यूरोप, ठीक है? ओवरऑल जो है हालात यूरोप के काफी ज्यादा डिटेरियरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉलिटिलिटी दैट इज प्रेजेंट, और जो रिलेशनशिप चल रहा है, और हर दिन जैसे हमें खबर आती है कि कभी मारियोपोल जो शहर है यूक्रेन का, वहां पे अटैक हो गया है, कभी कीव के अंदर अटैक हो गया है, कभी कहाँ पे हो गया है, कभी कहाँ पे हो गया है, ठीक है? तो ये सारे मैटर्स है। इसके अंदर एक और भी बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या नाम है जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट का इस टाइम पे? यूक्रेन का ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या था, शोभा क्या था, प्रोफेशन क्या था? कॉमेडियन था, कॉमेडियन एक्टर। ठीक है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रिलेशन क्या है? मजहब क्या है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? ही इज अ ज्यू, ठीक है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इज अ ज्यू, ठीक है? तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बीइंग अ ज्यू इज अ नेचुरल इरिटेंट फॉर द रशियंस एज वेल, ठीक है? लेकिन जिस तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है ड्यूरिंग द वॉर, ही हैज बिकम अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट एंड ही इज अ वॉर टाइम हीरो एट द मोमेंट, तो एक ये भी नेचुरल इरिटेंट है। इसके साथ साथ एक बहुत और बहुत बड़ी चीज है जो कि एट स्टेक है, वो क्या है जी, रशिया का सेल्फ इमेज, ठीक है, रशिया का सेल्फ इमेज। बहुत अरसे से क्या कहा जा रहा था कि जी यूनिपोलर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू यूरोप, ठीक है, इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और यूनिपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि रशिया कहाँ कहाँ पे जो है वो चैलेंज कर रहा है, और रशिया कहाँ कहाँ पे लीड लेने की कोशिश कर रहा है विद रिगार्ड्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलायंस एक फॉर्म हो गया रशिया उसका चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ करीब आ रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ इट इज ऑन वेरी वेरी गुड टर्म्स, अफगानिस्तान के अंदर इसने मॉस्को फॉर्मेट वाली ऑर्गेनाइज उसकी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, ठीक है, इसने तालिबान के साथ भी अपने जो बैकवर्ड डिप्लोमेसी है वो चलाई हुई है, ठीक है, और हमें बाकी इंटरनेशनल फोरम्स में अजरबैजान में आर्मेनिया के मामला के अंदर हमें नजर आया
कि कैसे रशियन ट्रूप्स ने जो है अल्टीमेटली आजरबैजान को सपोर्ट करके मामलात को जितवाया, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि देयर इज अ क्लियर रिसर्जेंस ऑफ रशिया। ठीक है, इकोनॉमिकली भी हम देख रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमी जो है इट इज अ रीजनेबल इकोनॉमी एट द मोमेंट, लेकिन अभी वो बहुत पीछे है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ चाइना एंड अमेरिका। ठीक है, डेफिनेटली बहुत पीछे। ठीक है, तो इस सारे मोमेंट के अंदर जब वो देख रहा है कि जी नाउ इज माय टाइम फॉर रिसर्जेंस, ठीक है, और मैं इंटरनेशनल पैक्ट्स भी बना रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबल इमेज भी बेहतर हो रहा है, वो इस टाइम पे देखता है कि भाई क्या किया जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई वार्निंग नहीं दी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहा हुआ कि हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टोल्ड द वर्ल्ड क्लियरली कि भाई यूक्रेन वॉज अ रेड लाइन। ठीक है, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, यू आर अबाउट टू साइन ट्रेड एग्रीमेंट, यू आर अबाउट टू एनसर्कल अस। ठीक है, आप हमारी सॉवरेनिटी को खतरा करना चाह रहे हैं, आप हमारे मामला को खराब करना चाह रहे हैं, स्पेशली गिवन के जो क्रीमिया और यूक्रेन है दे वर अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन लाइक 100 इयर्स और मोर, इस तरह ही मेरे ख्याल है कुछ चंद सौ साल पहले। ठीक है, और उनको लगता है कि जी दैट इज हिस्टोरिकली आर पार्ट, हमारे लोग रहते हैं, हमारा हिसाब किताब बनता है वहां। तो उस पॉइंट इन टाइम पे वो अब क्या कह रहे हैं, वो दुनिया को अपना इमेज बता रहे हैं। ठीक है, वो क्लियरली बता रहे हैं कि भाई दिस इज माई आइडेंटिटी, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है एंड यू आर ट्राइंग टू प्ले विद माई आइडेंटिटी। तो इश्यू ऑफ आइडेंटिटी बहुत बड़ा है यहाँ पे, कि इन केस अगर आप मेरी आइडेंटिटी को खराब करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मेरी आइडेंटिटी को छेड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वी विल रिस्पॉन्ड दिस वे, वी विल टेल यू कि हम लोग इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है जी, फिर इसके अलावा आप लोगों को आई एम प्रीटी श्योर के जिनका आयर है उन्होंने रियलिज्म की थ्योरी तो पढ़ी पढ़ी होगी। रियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है? रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि जीरो सम गेम है और उसमें सेल्फ हेल्प है, सेल्फ सर्वाइवल है, एनार्की है, और हर स्टेट को अपने पावर स्ट्रगल के लिए और अपने उसको सर्वाइव करने के लिए खुद ही कस्ट फॉर पावर करनी है, चाहे वो हार्ड तरीके से हो चाहे वो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने हैं। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने हैं। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं। ठीक है, जैसे भी नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने हैं उसी तरीके से आपने करने ही करने। ठीक है, तो ये जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं यहाँ पे, नेशनल इंटरेस्ट है, रियलिज्म है, सिक्योरिटी डायनामिक्स है, इकोनॉमिक डायनामिक्स है। ये बड़ी पिक्चर में इसको देखें, इसको सिर्फ इस तरह मत देखें जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ऐसा नहीं है। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू लुक एट दिस वे। ठीक है, ये मत कहें। ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली, रियलिज्म जो है वो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म रशियन की, रशिया के इन्वेजन को। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू लुक एट दिस वे कि भाई रशिया ने जो है वो बहुत ही गलत काम कर दिया। आई बिलीव, मुझे आजकल लगता था कि जी जंग शायद नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होती, बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है दुनिया के अंदर हमने देखा है कि यू नीड टू पुट अ स्टैम्प ऑन वेयर यू स्टैंड। रशिया को ये नजर आया कि मैं इस तरह करूंगा। ठीक है, रशिया ने पहले क्लियरली बता दिया था क्रीमिया में 2014 में एनेक्स करके, फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज उसको प्रोवोक करती रही, फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज उसको कहती रही कि भाई नहीं हम यूक्रेन के साथ ये करेंगे। पहले क्लियरली एक चीज हो चुकी है, आपने G8 से उसको निकाल के G7 कर दिया, आपने सब कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर यू वर अगेन एट दैट सेम पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये मामला हुए। द ग्रीवेंसेस दैट रशिया हैड, अगर आप उसको IR के हिसाब से देखो, अगर आप उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखो तो ठीक है। ठीक है, आप उससे कि ठीक है, ठीक है, लेकिन बीइंग aspiring civil servants, ठीक है, war propagation is not our fora. War propagation हम लोगों की, हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें ultimately क्या कहना चाहिए, हमें यही कहना चाहिए we need to stop these wars through dialogue, we need to stop these wars through diplomacy। हमें ठीक है ultimately, क्या ultimately यही solution है ना कि table पे बैठने, ultimately यही बात है ना। आजकल बातें हो रही है ना, कल UN के जो chief थे Antonio Guterres वो भी Putin साहब से मिले हैं ना, तो ultimately जो है इसी तरह से जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ एंटोनियो गुतरेस की। एंटोनियो गुतरेस भी जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कल गए हुए थे रशिया, और वहां पे वो उनकी प्यूटन साहब से मुलाकात हुई है, तो वी माइट बी सीइंग सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट वेरी वेरी सून। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसी तरह ही होना है। एट द एंड ऑफ द डे जंग खत्म हो जाएगी किसी ना किसी तरह से, और रशिया अपनी अथॉरिटी जो है
ओवर वर्ल्ड इश्यूज जो है वो स्टैम्प कर देगा और बता देगा दुनिया को कि भाई देखा हमें तंग करने का क्या नतीजा होता है। तो वी आर स्टिल अ फोर्स टू रेकन विद। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, मुझे आप बताएंगे कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? ठीक है, इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यूएस, ठीक है, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेपन इंडस्ट्री, वेपन सेल्स, ठीक है, अब ये नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को बेचने हैं, हम सारे मुल्क सारे डर गए हैं भाई, अब सब लेंगे, सब लेंगे। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है, जंग चल रही है, गैस की सेल बंद हो गई है, ठीक है, सारों ने कहा है कि नहीं भाई आपने बहुत गलत काम कर दिया वहां पे, हम आपसे गैस नहीं लेंगे। अब वो जो यूरोप गैस नहीं लेगा, यूरोप कहां से गैस मंगवाएगा आपके ख्याल में, कहां से आएगी? यूएसए से आएगी, ठीक है, यूएसए से आएगी, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर आएगी, शेल गैस आएगी, वो यहाँ पे आके एलएनजी टर्मिनल्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, हु इज बेनिफिटिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कौन बेनिफिट कर रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है, दे आर गेनिंग इकोनॉमिकली, द वेपन इंडस्ट्री, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। यमन के अंदर कब से जंग चल रही है, कोई बताएगा यमन के अंदर जंग कब से चल रही है? 2014 क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? वहां पे क्यों नहीं कोई मामला अभी तक हुआ? क्यों सर, वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सेल करता है वेपन सऊदी अरेबिया को, तो उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं, इसी तरह वो दूसरी वॉरिंग जो साइड्स है उनको भी वेपन्स देते हैं, तो उससे भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों एक इतना पावरफुल मुल्क जो है वो छोटे से दुनिया के गरीब तरीन मुल्क को बमबारी से दो चार कर रहा है, कैसे चल रहा है ये मामला? वो इतना चल रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन परचेजर्स, यूके से, फ्रांस से, ठीक है, यूएसए से, वेस्टर्न ब्लॉक सारा मजे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि जंग खत्म होती रहेगी? कभी भी ऐसे खत्म नहीं होगी, अनलेस एंड अंटिल दे आर एबल टू अचीव सम सब्सटेंशियल गेन्स, कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। आपको सीरिया के अंदर क्या नजर आता है, एक मामला जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो ग्रो किया हुआ है वहां, एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, वेपन सेल्स हो रही है, रेबल्स को भी वेपन सेल्स हो रही होती है, दूसरी वॉरिंग साइट्स को भी वेपन सेल्स हो रही होती है, इकोनॉमिक गेन्स बेअंदाजा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर डू यू थिंक कि यूएसए जो है इट कैन बी व्हाट वी कॉल एन ऑनेस्ट मीडिएटर, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर कैन वी एक्सपेक्ट द यूएसए टू बी एन ऑनेस्ट मीडिएटर, ठीक है। आप ये देखेंगे कि यूरोप क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, सैंक्शंस, जी हम सैंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, एंड सैंक्शंस वोंट डू एनीथिंग, सैंक्शंस एब्सोल्युटली वोंट डू एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये अमेरिका वाले क्या करते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, लेकिन सैंक्शंस लगा के ना एक्सेप्शंस भी दे देते हैं। एक्सेप्शंस क्यों देते हैं, क्योंकि उनके उस खित्ते के अंदर उनके अपने एलाइज हैं, ठीक है, अगर वो एलाइज जो हैं, अगर उनको रशियन गैस या अगर उनको फॉर एग्जाम्पल ईरानियन ऑयल नहीं मिलता तो वो भी तो खराब होते हैं। तो इस तरह एक एग्जाम्पल है कि जब ईरान के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाई, इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ईरान के ऊपर सैंक्शन है लेकिन ईरान 8 मुल्कों में सिर्फ तेल बेच सकते हैं। उन 8 मुल्कों में कौन कौन से थे, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, उनके अंदर सब चीजें कॉमन क्या थी, सब चीज एक ही चीज कॉमन थी, ऑल ऑफ देम वर यूएस अलायंस, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि ये जो वॉर है, ठीक है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट हमेशा होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप किसी चीज का वजह ढूंढे ना, हमेशा समझें कि यार इसके पीछे और कोई वजह हो या ना हो, इसके पीछे कोई पैसों से रिलेटेड या इकोनॉमिक कॉज इसकी जरूर हो, क्योंकि दुनिया जो है इट इज ऑल वर्किंग अराउंड द सेम पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज गेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी गेन्स, ठीक है। तो ये जो जंग है ये भी मॉनेटरी गेन्स के इर्द गिर्द चल रही है, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपनी गैस लेना बंद कर दिया है, गैस लेना यहाँ से रशिया से फौरन बंद की और वहां पे अमेरिका के साथ जो है फौरन जाके आपने एक अग्रीमेंट कर लिया फॉर द अमेरिकन शेल गैस। तो इस वजह से आई बिलीव कि ये जो मामलात हैं जहां इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं यहाँ पे, दे आर एक्सट्रीमली वर्थ वाइल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्थ वाइल है, ठीक है। और आगे चलकर थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा हो रहा है,
कि जी दिस माइट ब्लो इनटू वर्ल्ड वॉर 3 या दिस माइट ब्लो इनटू समथिंग दैट कैन बी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर द वर्ल्ड. द पॉइंट इज मेरे अपने पर्सनल ख्याल में वर्ल्ड वॉर 3 इज डेफिनेटली नॉट ऑन द कार्ड्स. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 इज डेफिनेटली नॉट ऑन द कार्ड्स. सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका को क्या है इस टाइम पे दुनिया के अंदर? इज इट रशिया? ठीक है, यार ये इंटरनेशनल लॉ का सवाल है कि प्रीएम्प्टिव सेल्फ स्ट्राइक के ऊपर. अब मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके ऊपर वियना कन्वेंशन क्या कहती है. ठीक है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस कि प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के ऊपर वॉर जस्टिफाइड होती है या नहीं होती. कुछ केसेस के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर नहीं होती. वो स्पेसिफिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ के. भाई अमेरिका को यही की चीज से परेशानी है. अमेरिका कहता है कि भाई भाड़ में गई दुनिया. यार वो अफगानिस्तान से निकल गए हैं चाइना की वजह से. वो हर साल जो अरबों डॉलर जाया करते थे, वो कहते थे कि यार यही हम अपनी इकोनॉमी के अंदर झोंक दें तो हम मुकाबला कर सकते हैं. ठीक है, आज ही हमारा लेक्चर हो रहा था उसके ऊपर, तो जो एम्बेसडर साहब थे वो बता रहे थे कि भाई 2028 की प्रोजेक्शन है चाइना ओवरटेक करने की इकोनॉमिकली यूएसए को. ठीक है, दे आर ओनली एंड ओनली कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एट द मोमेंट. उनको सिर्फ और सिर्फ जो है इस टाइम पे ये जो एशिया पैसिफिक वाला खत्ता है ना, उनको इस चीज से गर्ज है. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. ठीक है, यूक्रेनियन कॉम सफर कर रही है, यूक्रेन के लोग सफर कर रहे हैं. ठीक है, और वो करेंगे जंग के अंदर, वो करेंगे और वो कर रहे हैं. ठीक है, बिला वजह. ठीक है, लेकिन वी माइट सी एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आई बिलीव इन लाइक अ मंथ और सो, कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रशिया वुड आल्सो फील कि यार दिस इज इनफ ऑफ इट, वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, किसी ना किसी तरह लुहांस्क, डोनेट्स और क्रिमिया के ऊपर किसी ना किसी क्रम का एग्रीमेंट होगा एंड रशिया विल कॉल दिस एन एंड एंड रशिया विल वॉक आउट विद द प्रेस्टीज एंड रशिया विल वॉक आउट एज स्टैम्पिंग इट्स अथॉरिटी इंटरनेशनल अरीना एज अ कंट्री जिसने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड किया और जिसने अपने एंड पे बेनिफिट्स जो है वो हासिल किए और नेटो एक्सपेंशन को रोका और यूरोपियन यूनियन को बता दिया कि हमसे पंगा करोगे तो दिस इज व्हाट वी कैन डू. वी हैव द मिलिट्री स्ट्रेंथ, वी हैव द मिलिट्री माइट, हमसे पंगा ना लेना, हमसे ट्रेड करना है, हमसे ट्रेड करो, लेकिन डू नॉट ट्राई टू इनसर्कल अस. हमें मोल्डोवा के अंदर तंग ना करो, हमें यूक्रेन के अंदर तंग ना करो, हमें उसके अंदर जॉर्जिया के अंदर तंग ना करो. हमें इन तीन मुल्कों के अंदर आप तंग करोगे, वी विल गो बिहाइंड यू. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 3 इज डेफिनेटली नॉट ऑन द कार्ड्स, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ठीक है, आजकल वर्ल्ड वॉर 3 जो है ये एक आप कह लो कि सेल्फ सुसाइड है. ठीक है, कलेक्टिव या म्यूचुअल सुसाइड है. ठीक है, गिवन जब से जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है उसके बाद से वर्ल्ड वॉर इज लाइक डेफिनेटली कलेक्टिव सुसाइड, तो दैट इज नॉट ऑन द कार्ड्स, दैट इज नॉट ऑन द कार्ड्स. ठीक है, यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए एट द टाइम is giving out an image of being with the Ukrainian people. It is trying to give out an image that we are with the Europeans and we are in with them in complete solidarity. ठीक है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो हैं आप लोगों के साथ जो है fully support कर रहे हैं, हम आपको militarily aid कर देंगे, हम आपको gas दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको फलानी चीज दे देंगे, etc. ठीक है, this is the only thing that is happening. कोई बंदा इस टाइम पे कलेक्टिवली इस वॉर को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि ऑल ऑफ देम आर अवेयर कि भाई इफ वी गेट इनटू दिस वी माइट कैन गेट इनटू बिग ट्रबल विद व्लादिमीर प्यूटिन. ठीक है, हम व्लादिमीर प्यूटिन के साथ वी माइट गेट इनटू अ बिग ट्रबल. ठीक है, तो ये सारे जी मामलात हैं रशिया यूक्रेन के. ठीक है, मैंने इनको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड जो है फॉर्म में आपको करने की कोशिश की है. ठीक है, और सबसे बड़ी चीज एट द एंड रशिया जो चाह रहा है वो अपनी कंसेंट चाहता है. वो कहते हैं कि भाई नेटो की एक्सपेंशन रोको, हर मामले के अंदर हमारी जो है कंसेंट लो और किसी भी तरीके से यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे जो है करीब ना आने. ठीक है, ये हमारे करीब ना आने दो. ये चंद रशिया की डिमांड्स हैं. हमने उनकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की, वी टॉक्ड अबाउट हाउ The war is moving ahead, and आप लोगों के साथ जैन साहब ने वीडियोज भी शेयर की हुई है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनको देखें, सारी चीजों को एनालाइज करो. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन के ऊपर ना फोकस रहो. ठीक है, जस्ट ट्राई कि अपना दिमाग जो है उसको एनालाइज करने की एबिलिटी उसके अंदर लेके आओ. खुद सोचो कि चीजें जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है, खुद सोचो कि चीजें जो है
अच्छा जी हाँ सॉरी, ये थोड़ी सी बात हम करना भूल गए हैं पाकिस्तान के बारे में, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा पाकिस्तान का मुझे बताओ यार, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, क्या किया हम लोगों ने, हमारे ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, ठीक है हमारे ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जिस दिन रशिया पहुंचे हैं अगले दिन जो है उन्होंने इन्वेजन कर दिया। ठीक है जी जैन भाई, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, कोई अग्रीमेंट होगा ऑन लुहांस्क डोनेट्स्क, ठीक है, और जैसे क्रीमिया वाला केस है इसी के ऊपर बात होगी, इसी तरह का कोई मॉडल जो है वो बनाया जाएगा और इसको जो है वो एग्री करवाया जाएगा, और किसी किस्म का जो है वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और पोरस बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप कराया जाएगा, ठीक है, और रशियन ट्रूप्स की प्रेजेंस को यहाँ पे रखा जाएगा रीजन के अंदर। इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट होगा, इन्हीं लाइंस के ऊपर एग्रीमेंट होगा। लेकिन दिस ये एग्रीमेंट अभी मेरा नहीं ख्याल कि 1.5-2 महीने से पहले जो है वो होता है, ठीक है, 1.5-2 महीने से पहले जो है वो नहीं होगा। देखिए रशिया ने जो अपने स्टांस क्लियर करना था ना, उसने बहुत क्लियरली बता दिया है, और वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हमें इस तरह का तरह ना बताना पड़े, ठीक है, इस तरह के हमें ना बताना पड़े, लेकिन अब उन्होंने हर चीज बता दी। द वर्ल्ड नाउ क्लियरली नोज के भाई रशिया का क्या मामला है, रशिया क्या कर सकता है, रशिया क्या करेगा, रशिया कभी कर सकता है या नहीं कर सकता, उन्होंने करके दिखा दी। तो दे हैव गिवन अ वेरी क्लियर रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड के भाई डू नॉट ट्राई टू प्ले विद अस एंड डू नॉट ट्राई कि हमारे साथ किसी किस्म का फंगा करो। अच्छा अब आ जाओ पाकिस्तान के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं वहां पे अगले दिन जो है वो हो जाता है इन्वेजन हो जाता है। खान साहब का दौरा ऑफ रशिया, वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग, एनी कॉमेंट्स, सही था गलत था क्या था? देखें पहली बात यह है यार, टाइमिंग की बात ना करें, बात यह है कि सोवियत्स के साथ आप कितने अरसे से ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कितने अरसे से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैन एनीवन टेल मी, ठीक है, बात नहीं, डेफर नहीं करना चाहिए था, डेफर नहीं करना चाहिए था। द पॉइंट इज आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू हैव एन आइडिया आपका फॉरेन ऑफिस कितने अरसे से लगा हुआ है, डू यू हैव एन अरे आइडिया मुशरफ टाइम आपके, का, जब से मुशरफ आया था तब से ये कोशिश हो रही। आपको पता है 2012 के अंदर व्लादिमीर प्यूटन का जो है वो दौरा एक्सपेक्टेड था इस्लामाबाद का, वो कैंसिल हुआ तो हमें वहां पे दोबारा शॉक लगा। सारी जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अमेरिकन लॉबी के अंदर रह रहे हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा जो है वो एनिमिटी फॉस्टर की हुई थी सोवियत के अंदर। चलो ये तो बीच में आके अब हम जो है उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, ठीक है, अब हम जो है और ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के साथ भी एक ब्लॉक बन रहा है। तो द पॉइंट इज के ऐसा नहीं था कि भाई एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम अगले दिन इन्वेड करने लगे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जल्दी से पहुंच जाओ, ऐसा नहीं था यार, ठीक है, इट वॉज एन आउटकम ऑफ सेवरल ईयर्स, ठीक है, सेवरल ईयर्स, उस टाइम के ऊपर जब आपका मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, आपका मुल्क इकोनॉमिकली आवाजार है, आपके पास न तेल है न गैस है, आपके इंपोर्ट बिल कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर आप ये क्यों चाहते हो कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको लॉपसाइडेड लगे? हमने सारी जिंदगी क्या किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, हमने सारी जिंदगी ये किया है कि हमें अडॉप्ट कर लो, हमें अडॉप्ट कर लो ना, हमें अडॉप्ट कर लो, हमारे सारे खर्चे उठाओ, हमें एड दो, हमें पैसे दो, ठीक है, हम आपके साथ। कभी हमने ये नहीं देखा कि भाई हमने डाइवर्सिफाई कैसे करना है रिलेशनशिप। जिस टाइम पे हम अमेरिका के गुण गा रहे थे ना, उस टाइम पे इंदिरा गांधी इंडिया से निकली, उसने सारे वेस्टर्न कैपिटल्स का दौरा किया, साथ साथ सोवियत से भी होके चली गई। हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स परेशान थे कि भाई ये इसने कैसे मैनेज कर लिया, उनको पता था कि अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना है। ये हमें अब अंदाजा हो रहा है और बहुत लेट अंदाजा हो रहा है। द पॉइंट इज कि हमारी एक जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज टू बी ओपन लुकिंग, दैट हैज टू यू नो इनकॉर्पोरेट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, हमें जो है तरीके कार से चलना है, ठीक है, नो फ्रीलांस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, हर मुल्क के साथ बना के रखनी है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप सोवियत के साथ खराब कर लें। 50s के अंदर आपने सोवियत के साथ खराब की, नतीजा आपको पता क्या हुआ था, आप कश्मीर वाला मैटर जो है वो इंटरनेशनलाइज ही नहीं कर सके थे क्योंकि सोवियत जो है वो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल पे बैठे हुए थे, परमानेंट मेंबर थे, जो भी आप रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते थे उठा के मारते थे भाई, ठीक है।
बात यह है कि अब आप यहाँ पे उनके साथ आप देखें कि आपको यूएनएससी के अंदर फायदा है, ठीक है, आपको यूएनएससी के अंदर फायदा है उनके साथ, आपको उनके साथ डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर कितना फायदा है, ठीक है, आप उनको जो है एक्सपीरियंस अपना दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपने बैटल्स लड़ी है, इन टर्म्स ऑफ जो आपने दहशतगर्दी के खिलाफ बातें की। रशिया का बहुत बड़ा मसला क्या है कि ड्रग ट्रेड बहुत ज्यादा होता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वहां पे, आप उनको उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। बदले में आप उनसे क्या ले सकते हैं, बदले में आप उनसे बॉर्डर सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। हम जो है उनसे MI-35 हेलीकॉप्टर पहले ही ले रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि भाई रशिया जाना वॉज एब्सोल्यूटली द राइट थिंग, एब्सोल्यूटली द राइट थिंग, कोई लेट नहीं कर सकते थे। आप अभी लेट करके बाद में आपको प्यूटन ने कहना था हाँ हाँ सॉरी यार पहले नहीं आए थे दोबारा आ जाओ, इस तरह की गलतियां नहीं होती, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है। और ये जो खान साहब भी कह रहे हैं ना कि जी मुझे रशिया की सजा मिल रही है, दैट इज ऑल्सो, मतलब अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। द वर्ल्ड नोज क्या है, हमने पहले क्या था, हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले क्या थी, आवर फॉरेन पॉलिसी वॉज कंप्लीटली जियो सिक्योरिटाइज्ड, इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, आवर फॉरेन पॉलिसी वॉज कंप्लीटली जियो सिक्योरिटाइज्ड। ये जब से 2013 के बाद आपके मुल्क में सीपैक के प्रोजेक्ट शुरू हुए, तब आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जाके अंदाजा हुआ है कि भाई अब जियो सिक्योरिटी से मामला आगे बढ़ रहा है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाली चीज को लेके आओ, ठीक है, सिक्योरिटी वाली चीज को भूल जाओ, हर चीज को देखो कि इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे गेन किया जा सकता है, इकोनॉमिक फायदा कैसे हासिल किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट वॉज एब्सोल्यूटली राइट, एंड हम लोगों ने एब्सटेन किया वोटिंग में, हमने रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया इस जंग पे, वो भी हमने सही किया, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम क्यों ना करें, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई चीज नहीं। हम जो है चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर बात नहीं करते, वी डू नॉट टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ उइगर्स इन चाइना, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें गलत क्या है, क्या बात करें आप क्या बात करें, आप खड़े होकर बात करेंगे जी चाइना उइगर्स को हक दे अपना, और यहां पे जो आपके मुल्क में कोई मुल्क आने को तैयार नहीं है, कोई बंदा आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो डू यू थिंक चाइना के वाला मामला भी गवा दे आप? आपने देखा कल क्या हुआ है, कल वाला जो वाकया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, आई बिलीव इससे बड़ी हिट तो हमारे रिलेशंस को कभी होनी नहीं है। और अगर आप देखेंगे उसके अंदर कितनी सिम्बॉलिक चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल होकर सोचें, एक खातून, पढ़ी लिखी खातून, एमफिल खातून, मैरिड खातून, मां खातून, ठीक है, शी टुक आउट दिस अटैक, कितने छुपे हुए मैसेजेस हैं इसके अंदर कि आपके मुल्क को कितने ज्यादा जो है मामलात कन्फ्रंट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। उस पॉइंट के अंदर यू नीड रिलेशंस, आपका एक हॉस्टाइल नेबर है, मैं इससे जैन सा वाइंड अप कर रहा हूं बस दो तीन मिनट, आपका एक हॉस्टाइल नेबर है तो भाई यू नीड रिलेशंस, यू नीड रिलेशंस। वो दौर गए कि एक किसी मुल्क के साथ रह लेंगे, ठीक है, एक किसी मुल्क के साथ आप रह लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही ज्यादा जो क्रिटिसिज्म आया था दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, हमारा मामला बहुत ही ज्यादा जरूरी था, हमने एब्सटेन किया, वी डिड द राइट थिंग, ठीक है। लेकिन हमारे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में आर आर्मी चीफ क्लियरली मेंशन कि भाई अग्रेशन गलत है, कोई भी कहेगा अग्रेशन गलत है, कोई भी कहेगा लॉस ऑफ लाइफ गलत है, कोई भी कहेगा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी गलत है, ठीक है। तो यू कैन से दैट, बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर what your stakes are, what your national interests are. इस तरह सोचो, ठीक है, ये जो है ना extremes पे सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे। Forget about thinking on extremes and focus के भाई आप किस तरह benefit ले सकते हैं, आप किस तरह grow कर सकते हैं, ये सारी बात है यहाँ पे, ठीक है। No permanent friends, no permanent enemies, everything is subject to change. सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुर्बत से लोगों को निकालो, economy ठीक करो, ठीक है। सोशल रिलेशंस किस बुनियाद पे बनते होते हैं, इकोनॉमी की बुनियाद पे बनते होते हैं। ये जो आप हमसाया मुल्क में बैठे देख रहे हो ना कि हर मुल्क उनका दीवाना क्यों हुआ है, इंडिया का इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात इक्वालिटी की बुनियाद पे बना सकते हैं, ठीक है। ये बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात जो है मैं इसके ऊपर अभी कॉमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन बेगर्स कांट बी चूजर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन IR, ठीक है। आप लोगों को भी जिन्होंने पढ़ा है उनको भी अंदाजा है इस चीज का, ठीक है। बट आई बिलीव, चले इसको छोड़े, इस चीज को रहने दें, ठीक है, आई डोंट थिंक इट शुड बी द परव्यू ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेप्स लो यार, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, ठीक है, उन चीजों के ऊपर बात करो जो जरूरी है,
इकोनॉमी को ठीक करो भाई, इकोनॉमी को ठीक करो, नौकरियां दो, ये जो टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म ब्रीड हो रहा है इसको खत्म करो, ठीक है, इसको खत्म करो, ठीक है। चाइना और जितने प्रोजेक्ट्स जो भी कुछ हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन इट, ठीक है। सी के आप लोग क्या कर सकते हैं मामलात के अंदर, लेकिन आवर प्रायोरिटीज आर वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। इंटरनेशनली अपने आप को एज अ पीस लविंग, पीस कीपिंग नेशन के तौर पर पोर्ट्रे करो, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि हमें अफगानिस्तान की तरफ से दोबारा चैलेंजेस शुरू हो गए हैं, हर दूसरे दिन खबर आती है कि फलानी जगह पे फायरिंग से हमारे फौज मर गई, फलानी जगह से जो है वो फौज हमारी फौजी मार दिए गए, ठीक है। जहां पे आपको इकोनॉमिक गेन लगता है गो फॉर दैट, इकोनॉमिक गेन लेके आए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेके आए, लोगों को लेके आए, FDI लेके आए, ठीक है, तिजारत बढ़ाए। आसियान का जो ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, आसियान का जो ब्लॉक है, आसियान आपको पता क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, भाई एक दूसरे को मार मार थक गए थे, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ही आसियान के अंदर, इस टाइम पे सबसे ज्यादा तिजारत आसियान वाले आपस में करते हैं। मजेदार बात, उन्होंने पहले कहा कि यार चलो कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं ना, जब ट्रेड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाएगा, बाद में ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करके फिर वो मामला निकाल लेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स, ठीक है। अमेरिका चाइना कितनी शदीद किस्म की यार ट्रेड वॉर लड़ी है, ट्रेड वॉल्यूम का अंदाजा है उनका आपस में। चाइना इंडिया बॉर्डर का डिस्प्यूट है, वो वाहिद मुल्क है इंडिया जिसके साथ चाइना ने अभी तक बॉर्डर का एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ। $90 अरब का बायलैटरल ट्रेड है, $90 बिलियन का, $100 अरब का होगा आपको, भाई ट्रेड नहीं रुकता, इकोनॉमी नहीं रुकती। हर साल आप लोगों को 14 लाख से 15 लाख नौकरी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आप अगर आपने लोगों को इंटीग्रेट करना है इसके अंदर, कहां से लेके आओगे, ठीक है, कैसे लेके आएंगे, कैसे नौकरियां पैदा करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे। सीपैक का सबसे बड़ी चीज आपको पता क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सबसे बड़े, कौन कौन से हैं, आप एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हो, बताओ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से हैं जो सबसे बड़े हैं, जिनके ऊपर काम शुरू हुआ है, ये गूगल भी करोगे तो नहीं मिलेगा। जी ये तीनों जो कॉमेंट्स के अंदर आए हैं बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आज हमारे जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है अभी वाले, उन्होंने क्या है फैसलाबाद के अंदर, आशा कहीं नहीं है भाई, अलामा इकबाल है फैसलाबाद में, ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई 2025 में पूरा होगा, 2027 में पूरा होगा, 2028 में पूरा होगा, कमाल नहीं, इंडस्ट्री कैसे आएगी, कैसे लगेगी, कब लगेगी, क्या बनाएंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं पता। बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, पता क्यों शुरू हुई है, कोई बता सकता है कि लोड शेडिंग हम दोबारा क्यों फेस कर रहे हैं पिछले दिनों से। सर वो जो पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा, उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी, उसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और पाकिस्तान वो पे करने की पोजीशन में नहीं है। हमने IPPs की पेमेंट नहीं की, वी हैव नॉट पेड द IPPs। IPPs क्या है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पेमेंट ही नहीं की। तुम क्या इस तरह के ऊपर, मैं आपको 4 घंटे यार इसके ऊपर लेक्चर कर सकता हूं। एनीवेज जी आज के लिए आई विल टेक अ लीव, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, कल हमारी आखिरी क्लास है, ठीक है, क्योंकि फिर मैंने ट्रैवल कर रहा है, आई वोंट बी अवेलेबल, अरब इजराइल इंप्लिकेशन छोटी सी डिस्कशन, अच्छा चले देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा था कि कल आप लोगों को पेपर के ऊपर यार बताऊं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो पेपर कर लेंगे तो कल रात को 10 बजे क्लास होगी, 10 PM टुमारो, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर कोई चीज एथनिक ग्रीवेंसेस एंड वे फॉरवर्ड, एथनिक ग्रीवेंसेस पाकिस्तान के अंदर जो है, चलें इसको भी दे लेते हैं, इसके ऊपर भी टच कर लेंगे, पेपर अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है, मैं कल उसके ऊपर बात करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, आई एम टेकिंग अ लीव, थैंक यू।